गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा नौवीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में हमने अर्थशास्त्र लिया है, अध्याय 16 है। अध्याय का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, भाग कितना है, 3 है। इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कृषि क्षेत्र में रोजगार एवं कृषि में अनिश्चितता के कारण भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कृषि उत्पाद के लिए विपणन की व्यवस्था और कृषि में साख की आवश्यकता। साख संस्था का साख, गैर संस्था का साख, ठीक है। कृषि में विपणन की व्यवस्था, कृषि कार्य में पहले समय में मंडी, कृषि में मंडी की व्यवस्था नहीं थी, अर्थात कृषक अपने उत्पाद, अपने जो माल तैयार करते थे, जो फसल का उत्पादन करते थे, उन फसलों के तैयार होते हुए उसे बाजार में ऐसे बेच दिया जाता है जिससे उसको उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता था, तथा साहूकार महाजन से उस अनाजों को दुकानदार कम कीमत पर खरीद कर उसे ऊँचे दामों पर बाजारों में बेचते थे, जिससे किसानों को अनाज के उत्पादन में कोई लाभ नहीं होता था, कृषि कार्य में कोई फायदा नहीं होता था, उनकी केवल परिवार का ही पालन पोषण होता था। अतः किसानों की यह दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकारों ने यह निर्णय लिया कि कृषक को उसके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों न दिया जाए, जिससे वह उचित आय प्राप्त कर सके और अपने परिवार को का पालन पोषण कर सके तथा आय को संचित भी करके रख सके। इस प्रकार सरकार ने बाजारों में मंडी की, सरकारी मंडी की व्यवस्था की है, विपणन की व्यवस्था की है, जिससे वह अपने अनाजों को लेन देन एवं बेच सके, ठीक है, और उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात ऊंची मूल्य, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत प्राप्त हो सके, जिससे उसको कृषि कार्य में लाभ हो सके, ठीक है। फिर आते हैं हम कृषि में साख की व्यवस्था। साख अर्थशास्त्र में साख को हम ऐसी संस्था या उधार के नाम से जानते हैं जो हमें कम कीमत पर क्या करती है, उधार की व्यवस्था करती है और क्या देती है, पैसा देती है, जिसके लिए हम क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, अर्थात उधार की व्यवस्था करती है। कृषि कार्य करने के लिए हमें बीज, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, मशीन, सिंचाई यंत्र, इन सब के लिए हमें क्या की आवश्यकता होती है, पूंजी यानी पैसे की आवश्यकता होती है। अर्थात किसान, कृषक के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह कृषि के लिए इन सब की व्यवस्था कर सके। अर्थात कृषि में नए तकनीकी टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार के उर्वरक, सिंचाई यंत्रों का प्रयोग करने के लिए किसान को किस पर साख पर निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, जैसे संस्था उन्हें क्या देती है, उधार देती है, ऋण की व्यवस्था करती है, जिससे वे अपने कृषि कार्य को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं संस्थागत साख एवं गैर संस्थागत। संस्थागत साख जो सरकारी होते हैं, जो मान्यता प्राप्त होते हैं, जैसे बैंक हो गया, सरकारी संस्था हो गई, वे कृषक को कृषि कार्य करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण क्या करती है, उपलब्ध कराती, जिससे वे किसान को कृषि पर, बीज पर, कीटनाशक पर, सिंचाई यंत्रों के लिए बैंक क्या करती है, कृषक को ऋण देती है, उधार देती है और इसके लिए कम ब्याज दर लेती, जिससे किसानों को क्या होता है, लाभ होता है। फिर हम आते हैं गैर संस्थागत साख, जो सरकारी संस्था नहीं चलाती, इसको हम ज़्यादा क्या बोलते हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं होती, जैसे कोई रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, परिवार हो गए, सगे संबंधी हो गए, जो आपस में क्या करते हैं, समझौता करके एक दूसरे को क्या देते हैं, ऋण देते हैं, साथ ही इसके लिए ऊंचे दर पर ब्याज लेते हैं, इसके लिए कोई कागजी समझौता नहीं होता है, ठीक है, ये कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती, इसे गैर संस्थागत के नाम से जानते हैं। ये है कृषि के लिए विपणन एवं साख के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।